गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेवेंथ, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर का नाम है वीर कुंवर सिंह। इसमें वीर कुंवर सिंह के बारे में बताया है। वीर कुंवर सिंह और वीर कुंवर सिंह 1857 की क्रांति में युद्ध में अपनी भूमिका निभाई। वीर कुंवर सिंह ने और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया उन्होंने, और तब उनकी उम्र 80 साल की थी। और वीरता के और ये बिहार के थे, और उनकी वीरता के लिए बिहार की अलग अलग जो जनजाति हैं इनकी वीरता के बारे में सभी लोग जानते हैं। आगे अपन पाठ में पढ़ते हैं कि आपने समुद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी छठी कक्षा में पढ़ी होगी, और इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है, और आपको कविता की पंक्तियाँ याद आ रही होंगी। और एक बार फिर ये पंक्तियों को पढ़ते हैं कि इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए, यानी जो स्वतंत्रता का जो महायुद्ध हुआ इसके अंदर बहुत वीर आए। नाना धुंधु पंत तांतियाँ, यानी ये सभी तातुर अजी मुल्ला सरनाम अहमद शाह मुल्ली मौलवी ठाकुर वीर सिंह सैनिक अविराम भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, यानी इनमें इन सभी के साथ में कुंवर वीर सिंह का भी नाम बताया है कि इन्होंने अपने भारत के इतिहास को मतलब गगन में ऊपर अमर मतलब नाम किया अपने युद्ध में जीत करके। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है, और सन 1857 में के व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया, और भारत में ब्रिटिश शासन ने जिन दमन नीति को आरंभ किया उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया था और मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई, और 10 मई 1857 की मेरठ में भारतीय सैनिक ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली को की ओर कूच कर गए, और दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया, और यह विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर दूर तक फैल गया, यानी जो उनकी जो लड़ाई थी विद्रोह था वो दूर तक जंगल में आग की तरह फैल गया। और कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा, और यानी जो विद्रोही थे वो विद्रोह उनका मतलब मध्य और उत्तरी पर उनका कब्जा रहा काफ़ी टाइम तक समय तक। और दिल्ली के अतिरिक्त जहां अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ, यानी दिल्ली के अतिरिक्त जो भी अत्यधिक यानी जो जगह थी वहां पे मतलब बहुत घमासान युद्ध हुआ भीषण, वे केंद्र थे कानपुर लखनऊ बरेली बुंदेलखंड और आरा, यानी ये स्थान थे जहाँ पर युद्ध हुआ। और इसके साथ ही देश के अन्य कई भागों में भी स्थानीय विद्रोह हुए, और विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहब तात्या टोपे और भक्त खान और अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई बेगम, हजरत महल, कुंवर सिंह मौलवी, अहमदुल्ला बहादुर खान और राबतुल्ला राम थे। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था, और आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की जो नींव पड़ी उसकी आधार भूमि को निर्मित करने का काम 1857 में आंदोलन ने किया, और भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेष महत्व है। और 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया, यानी वीर जो कुंवर सिंह थे उन्होंने अंग्रेजों के साथ में युद्ध किया और उनको युद्ध करके हराया। वो इतनी उम्र के थे
वृद्ध थे उसके बावजूद भी उनमें वीरता का साहस था। और वीर कुमार सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती, और कहा जाता है कि कुंवर सिंह का जन्म बिहार में शाहबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 ईस्वी में हुआ था, और उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था, और उनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे, यानी जो उनके पिता थे वो जगदीशपुर रियासत थी उसके जमींदार थे, परंतु उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में कोई बहुत संघर्ष करना पड़ा, यानी उनको अपनी जो जायदाद थी या जमींदारी थी उसको लेने के लिए उनको बहुत संघर्ष करना पड़ा, और पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके, और जगदीशपुर लौटने के बाद भी ही वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक से व्यवस्था कर पाए। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे, यानी जो कुंवर सिंह थे उनके पिता जो थे वो वीर भी थे और स्वाभिमानी थे और उदार भी थे, दयावान भी थे, और उनके व्यक्तित्व का जो प्रभाव है कुंवर सिंह पर भी पड़ा, यानी जो उनका जो स्वभाव था वो कुंवर सिंह पर भी पड़ा, और कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था अपने पिता के ने घर पर ही की, यानी उन्होंने जो पढ़ाई लिखाई दीक्षा दी वो उन्होंने घर पर ही की, वही उन्होंने हिंदी संस्कृत और फारसी सीखी, परंतु पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन घुड़सवारी तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में था लगता था, यानी संस्कृत और फारसी सीखी उन्होंने और पढ़ने लिखने की बजाय उनका इन सब चीज़ों में दिमाग मन था उनका घुड़सवारी तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने का। और कुंवर बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली, और उन दोनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था, यानी जो अंग्रेज थे उनका जो हुकूमत थी उसका जो अत्याचार था वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका था, और इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। कृषि उद्योग और व्यापार का तो बहुत ही बुरा हाल था, रजवाड़ों के रज दरबार भी समाप्त हो गए थे, और भारतीयों में अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया था, और इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशवासी संघर्ष की स्थिति बन गई थी, और ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प किया, यानी अंग्रेज़ों से उन्होंने लोहा लेने के लिए मतलब उनको युद्ध करने के लिए संकल्प दे दिया उनको लड़ने के लिए। और जगदीशपुर में जंगलों में बसुरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहते थे, उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की, और उन्होंने बनारस मथुरा कानपुर लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजनाएं बनाई, और वे 1875 में से 1846 तक काफ़ी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे, और उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहा माना जाता था, और यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है, और यह हाथियों के क्रय विक्रय के लिए भी विख्यात है। इसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्र होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते थे, और 25 जुलाई 1857 को दानापुर को की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया, यानी 25 जुलाई 1857 को दानापुर जो जगह थी वहाँ के जो सैनिक थे उन्होंने विद्रोह कर दिया, और सैनिक सोन नदी पर पार कर आरा की ओर चल पड़े, और कुंवर सिंह ने उनका संपर्क पहले से ही था, और इस मुक्ति वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जयघोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल के सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आज़ाद कर दिया। 27 जुलाई 1857 की कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की और सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी, और अधिक यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे परंतु वह आगे बूढ़ा सूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया, और आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बना,
और दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र व्याप्त हो गई थी, और लेकिन देसी सैनिकों में अनुशासन की कमी और स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना और एवं आधुनिकता शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका ना जा सका। और 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई, यानी जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने अंग्रेजों की जो सेना थी उसको परास्त कर दिया, किंतु इससे वीर कुंवर सिंह का जो आत्मबल था वो टूटा नहीं और उन्होंने और वे भावी संग्राम की योजना बनाने में तत्पर हो गए, यानी बड़ी योजना बनाई उन्होंने, उसके लिए वो तत्पर रहे और वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस आज़ादी की लड़ाई में आगे बढ़ना चाहते थे। और कुंवर सिंह सासाराम से मिर्ज़ापुर होते हुए रीवा, करलबी, कानपुर एवं लखनऊ तक गए, और लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया और उन्होंने आज़ादी की इस आग को बराबर जलाए रखा और उनकी वीरता की क्रांति पूरे उत्तर भारत में फैल गई और कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश उड़ गए, यानी अंग्रेज उनकी वीरता को देख करके उनकी विजय यात्रा संभव हुई और उनके होश उड़ गए अंग्रेजों के, और कई स्थानों के सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की आधीनता में लड़े और उनकी ये आज़ादी की यात्रा आगे बढ़ती गई, यानी वो लड़ते गए और युद्ध जीत करके वो आगे बढ़ते गए, लोग शामिल होते गए और उनकी अगुवाई में लड़ते रहे और इस प्रकार ग्वालियर, जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैनिक रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वे लखनऊ पहुँचे, यानी वो ग्वालियर और जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से आगे भी सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वो लखनऊ भी पहुँच गए, और आजमगढ़ की ओर जाने पर उनकी उद्देश्य था, मतलब आजमगढ़ की ओर जाने पर उनका उद्देश्य था कि इलाहाबाद एवं बनारस पर भी आक्रमण पर शत्रुओं को पराजित करना उनका चाहते थे वो, और अतः जगदीशपुर पर अधिकार करना अंग्रेजों और कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ और उन्होंने 22 मार्च 1858 की आजमगढ़ का पर कब्जा कर लिया, यानी वहाँ पर भी उन्होंने अपने युद्ध में जीत करके उस पर कब्जा कर लिया और अंग्रेजों से ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया और कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ के अंग्रेजों को हराया और इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त कर वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए, यानी आजमगढ़ भी वहाँ युद्ध जीत करके अपनी स्वाधीनता यानी उसका विजय का जो पताका फहराते हुए और अपने जगदीशपुर पहुँचे वो, किंतु इस बूढ़े शेर को बहुत अधिक दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य ना मिला। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक यानी अंग्रेजों का जो झंडा उतारकर अपना झंडा फहराया और इसके 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को यह वीर इस संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी छोड़ गया। आगे यानी वीर कुंवर सिंह अमर हो गए और स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे और छापामार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल की और कुंवर सिंह के रणकौशल को अंग्रेजी सेनानायक समझने में पूर्णतः असमर्थ थे। दुश्मन को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था और या कट मारना पड़ता था, यानी उनको भाग जाते थे वो, और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने तलवार की जिस धार से अंग्रेज सेना की मौत के घाट उतारा उनकी चमक आज भी भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है, यानी जो उन्होंने अंग्रेजों को जिस तरह से मारा और आज भी जो भारतीय इतिहास है उसके पृष्ठ यानी पृष्ठों पर उनके नाम अंकित है और उनकी बहादुरी के बारे में उनके किस्से भी प्रचलित हैं। कहा जाता है कि एक बार वीर कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी और अंग्रेजी सेना निकलकर निरंतर उनका पीछा कर रही थी, पर कुंवर सिंह की कम चतुर नहीं थे, उन्होंने अफवाह फैला दी कि वे अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार कराएंगे
फिर क्या था, अंग्रेज सेनापति डगलस बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा तट पर पहुंचा और कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगा। कुंवर सिंह ने बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नावों से गंगा पार करा दिया और जब डगलस को इस घटना की सूचना मिली तो भागते हुए शिवराजपुर पहुंचा। और पर कुंवर सिंह की तो पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी और एक अंतिम नाव रह गई थी और कुंवर सिंह उस पर सवार थे और अंग्रेज सेनापति डगलस को अच्छा मौका मिल गया और उसने गोली बरसानी आरंभ कर दी। तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई की भेदती हुई एक गोली निकल गई और कुंवर सिंह को लगा कि अब हाथ तो बेकार हो ही गया, यानी जब अंग्रेज ने गोली मारी तो उसके हाथ में लगी और उससे लगा कि मेरा हाथ अब बेकार हो गया और गोली का जहर भी फैलेगा। और उसी क्षण उन्होंने गंगा मैया की ओर भावपूर्ण नेत्रों से देखा और अपने बाएं हाथ को काट कर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। और कुंवर सिंह ने अपने ओजस्व स्वर में कहा कि हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करो, वीर कुंवर सिंह ने कहा। और वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो लिया यानी अंग्रेज़ों के साथ में, और उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए और आरा जिला स्कूल के लिए ज़मीन दान की दान में दी उन्होंने, और जिस पर स्कूल के भवन का निर्माण किया गया, यानी उन्होंने आरा जिले में अब ज़मीन दान की और उस पर स्कूल का निर्माण किया गया। और कहा जाता है कि उनकी जो आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे और उन्होंने अपने इलाके के अपने सुविधाएं प्रदान की थी, और इनमें से एक है आरा जगदीशपुर सड़क और आरा बलिया, यानी सड़क का जो निर्माण है उस समय जल की पूर्ति के लिए लोग कुएँ खुदवाते थे और तालाब बनवाते थे। वीर कुंवर सिंह ने उनके कुएँ खुदवाए और जलाशय भी बनवाए। आगे कुंवर सिंह उदार एवं अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे और इब्राहिम खां और किफायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे, यानी इब्राहिम और किफायत हुसैन दोनों उनकी जो सेना थी उसके अंदर उच्च पद पर थे वो, और उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों में सभी त्यौहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे, यानी उनकी कोई भेद नहीं था जाति का। और उन्होंने पाठशालाएं और मकतब भी बनवाए और बाबू कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी थी कि बिहार की कई लोक भाषाओं और में उनकी प्रशस्ति लोकगीतों के रूप में, यानी लोकगीतों के रूप में आज भी गाई जाती है वीर कुंवर सिंह की। और बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने उनकी वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा है कि चला गया यूँ वीर अमरपुर, साहस से सब अरिदल जीत, यानी सबको सब साहस से सबको जीत करके कुंवर अमरपुर चला गया। और उसका चित्र देखकर, यानी उसकी जो चित्र है जो उसकी फोटो है उसकी अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत, यानी उसकी फ़ोटो वीर कुंवर सिंह की देख करके लोग बाग यानी दुश्मन हैं जो वो भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। वीर प्रसन्नी भूमि धन्य है, यानी वीर जो उस ऐसे वीरों के लिए यानी अपनी प्रसन्नी यानी जो अपनी भूमि है वो धन्य है। धन्य वीर वह धन्य अतीत, और यो वीर भी धन्य है और उनका अतीत भी धन्य है। गाते थे और गावेंगे, गाते हैं और गाएंगे, और हम हर दम अपनी उसकी जय का गीत भी गाएंगे। स्वतंत्रता का सैनिक था, आज़ादी का दीवाना था, यानी स्वतंत्रता सैनिक थे वो और आज़ादी के दीवाने थे। सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था, यानी जो कुंवर वीर सिंह थे वो बड़े ही मर्दाने थे। थैंक यू।